हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। यहाँ जनता को जाम खुलाना पड़ता है। देखिए जनता लगी है, एक जनता यहाँ जनता लगी है आपस में जाम खुलाने के लिए स्टक है। यहाँ पर फरीदाबाद की ट्रैफिक पुलिस फेल हो जाती है। आपको बता दूं मजाल है इस इलाके का, कोई ट्रैफिक पुलिस कोई भी हो जो ट्रैफिक की समस्या का सॉर्ट आउट कर सके। पुलिस आ भी जाए तब भी आपको बता दूं सारा जनता की वजह से लेना पड़ता है। लंबा चौड़ा आप देखें आगे तक लंबा चौड़ा जाम है। एक बार हटना मैडम, हटना थोड़ा सा, कहीं से भी हौच पौच होती है। बेचारा अकेला पुलिस वाला भाई है यहाँ पर, अकेला पुलिस वाला भाई है। देखिए अकेला अकेला लग रहा है, देखिए अकेला लगा हुआ है यहाँ पर। लेकिन अच्छा खासा जाम है यहाँ, बिना पब्लिक के सहारा लिए जाम खुल नहीं सकता। आपको तमाम जितने साथी हमारे साथ देख रहे हैं, अकेला पुलिस वाला भाई है, बुलाया गया है। अच्छा खासा मौके पर जाम लगता है। एरिया आपको बता दें सुनहरा एरिया है। कहते हैं कि चरम सीमाओं में सुख जो प्राप्त करते हैं यहाँ के लोग, कहते हैं कि सुख भोगते हैं। ये है दिल्ली से सटा हुआ फरीदाबाद का पल्ला सैदपुर रोड। सैदपुर से अगर ये बसंतपुर की तरफ निकल जाता है, कई सारे वार्ड, कई सारे लाखों की आबादी यहाँ से गुजरती है। लेकिन जाम की समस्या आपको दिखा दें, स्टक है वहां से वहां तक जहां तक मेरी उंगली जा रही है अच्छी खासी। अब लास्ट तक वो देखिएगा अच्छा खासा जाम लगा पड़ा है, बुरा हाल है। पुलिस फेल हो जाती है यहाँ पर फरीदाबाद की, पल्ला थाना क्षेत्र पड़ता है। आपको बता दूं नए SHO आए हैं, संघर्ष रहेगा उनके लिए, मुसीबत रहेगी उनके लिए, चुनौती है इस एरिया में जाम की समस्या को सॉर्ट आउट कराना। बहुत बड़ा समस्या का आपको बता दूं, बहुत बड़ा एरिया है। एक पुलिस वाले को बुलाया गया भाई, एक पुलिस वाला भाई यहाँ लगा हुआ है, अकेला है, संभाल रहा है। लेकिन फिलहाल के तौर पर पब्लिक का सहारा फिर भी लेना पड़ता है, क्योंकि बिना पब्लिक के सहारे इस एरिया में ट्रैफिक पुलिस पहली बात तो है ही नहीं, ये थाने की पुलिस है। यहाँ से कहते फेल हो जाती है, क्योंकि अकेले के बस की बात नहीं है। पहले बता दूं यहाँ पर अच्छा खासा जाम पीछे तक लगा हुआ है, अच्छा खासा। और इधर आप देखिएगा अच्छा खासा फिर लग गया, रुका हुआ जाम है यहाँ, यहीं फंस जाता है और आगे चल के वहां तक निकल जाता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ हालात किस तरीके से हैं। कुछ तो मुसीबत आपको बता दूं ऑटो वाले कर जाते हैं, कहीं से ही बीच में घुसते हैं, कहीं से भी निकल जाते हैं। आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कितना जाम की स्थिति विकट और बिहड़ बनी हुई है। आप तमाम जितने भी चलते रहें, क्योंकि बहुत लंबा एरिया पड़ रहा है तो मेरे को भी बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। देखिए उल्टा सीधा कहीं मोड़ दो भाई साहब, इनकी तो सरकार है। अरे गुरुजी मत बोल भाई जी, एक बात रोज का हाल है यहाँ पर ऐसे बुरा बोली विनीत भाई, बिल्कुल ऐसे ही हाल है विनीत भाई। अच्छा मतलब पुलिस फेल हो जाती है इस अच्छे एरिया में। विनीत भाई सबसे ज्यादा काम तो जो ऑटो वाले करते, बताओ इतनी जाम में दुनिया फंसी है, अब वो ऐसे घुमा के ले आ रहा। ठीक है, मतलब यहाँ पुलिस फेल हो जाती है, पब्लिक का सहारा लेना पड़ता है जाम की समस्या। बिल्कुल विनीत भाई, ओके फेलियर है। आपको बता दूं एरिया आपको दिखा देता हूँ। ओके कोई बात नहीं भाई, ट्रिपल ट्रिपल मारते रहो बाइकर्स भाई, तो बेनिशिंग चलते हैं। भाई जी रोज ट्रैफिक की समस्या ऐसी लगी रहती है यहाँ पर, ट्रैफिक ऐसी रहता है रहता है। अच्छा कुछ तो लोग तो आप भी फंसा देते हो गुरुजी। खोलना भाई खोलना, इसको खोलना, ट्रैफिक की समस्या ऐसी रहती है। सर सुबह भी हम एक घंटा फंसे हुए थे। अच्छा पुलिस फेल हो जाती है यहाँ पर, पुलिस तो कभी कभी आती है कभी कभी नहीं। अच्छा मतलब समझिए पब्लिक के सारे एक घंटे सुबह फंस के गए यहाँ पे। ओके निकलो निकलो आगे निकलो थोड़ा सा, इतनी सी जगह भाई हॉर्न मारने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं हॉर्न। तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देखिएगा अच्छा खासा जाम है। भाई जी कब से खुलवा रहे हो आप सब? कम से कम एक घंटा हो गया। एक घंटा पुलिस वुलिस का भाई? पुलिस तो अभी दिखावे के लिए आई है। दिखावे के लिए आई है मतलब सीधा है, पुलिस काम नहीं कर रही है? ना। ट्रैफिक की समस्या ऐसी जंजाल है, जंजाल पब्लिक सेवा है, पब्लिक सेवा है, पब्लिक सेवा। ओके चलिए जानने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ये हाल ऐसा है, मतलब आप सोचिए ये तो अभी वो टाइम है, सुबह हो शाम हो ये तो किसी भी है। भाई साहब ऐसी ट्रैफिक लग जाता है यहाँ पर? ऐसी लगता है भाई साहब डेली। मतलब पुलिस कैसी है? पुलिस नहीं आती, नहीं आती। ओके मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी है। तमाम जितने भी आप साथी, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ हालात किस तरीके से बेहद गंभीर हो जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए, ट्रैफिक समस्या की बात की जाए, यहाँ जंजाल है। ये देखेगा पूरी तरह के हौच पौच हो जाता है। हाँ भाई ट्रिपल यार चलो कोई नहीं, ये तो चलान चलते रहेंगे आप सबके। चलान काटने में व्यस्त पुलिस व्यस्त रहती है नो डाउट, ट्रैफिक पुलिस जो होती है चलान काटने में तो नो डाउट अपनी शालीनता से काम करती है। भाई जी ऐसी रहता जाम यहाँ पर? सौभाग्य से। अरे वाह खुश नसीब है आप इस एरिया में रह रहे हैं। बहुत बहुत ज्यादा। और पुलिस जाम हम सुलझा देती है फिर ऐसी पूरे दिन? देखिए सर ऑफिस आने, जोर से बोले जोर से, मेरे को वही कह रहे हैं सर कि ऑफिस आने के बावजूद इन चीजों से रोज जूझ रहे हैं, मजेदारी है ना जीवन की? जीवन की मजेदारी है भाई जी, ऐसी जाम रहता है। पुलिस वुलिस करती नहीं कुछ? पहली बार आए फंस गए? हाँ जी फंस गया, मैं यहाँ माल छोड़ना है। क्या फीडबैक दोगे इस एरिया को? अच्छा हंस के बता रहे हो, समझ गया। चलिए तमाम देखिएगा आगे तक जाम, इधर भी अच्छा खासा जाम लगा पड़ा है। सोचिए हालात भाई ऐसे रहता है यहाँ पर हर बार? डेली रूटीन है भाई। जोर से बोलो डेली का। मतलब पुलिस वुलिस काम नहीं करती? कहाँ काम करती है? कहाँ के भाई साहब वो पुलिस वाले भाई? अच्छा जी
अरे वो कहाँ चले गए, अकेले भाई थे आप? शायद उन्हें भी लगा कि समस्या को नहीं झेल पाए, या फिर लगा कि भैया अकेले आदमी नहीं समस्या को झेल पाएगा, शायद भाई चले गए, वो पुलिस वाले भाई भी निकल गए। चलिए ये तमाम आपको बता दूं, ये वो इलाका है, खासकर आपको बता दूं पल्ला सैदपुर रोड है, अच्छा खासा इलाका है, ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार भीहड़ बनी रहती है, कहीं से भी घुस जाते हैं, कहीं से भी निकल जाते हैं। अब देखना ये होगा कि चुनौती क्या है, समस्या से निजात दिलाओगे तो सही है, नहीं तो पब्लिक तो पुलिस को लेकर जो बयान दे रही है वो आप सुन रहे हैं, आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। नमस्कार।